एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं जहाँ जा रही हूँ ना, ये सब पहले मुंबई वगैरह का वीडियो में देखा करती थी, पर ये कोलकाता में भी खुल चुका है न्यू टाउन में, जो कि है टेम्पोरली पार्क। और यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, अभी नया ओपनिंग ही हुआ है, तो आज मैं जा रही हूँ। चलो, बहुत सारा एक्टिविटी करूंगी और कहाँ लोकेशन है आप लोग को सारा चीज बताऊंगी, क्या क्या करते हैं सारा चीज, टिकट वगैरह से लेकर फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना। तो मैं जा रही हूँ, अभी निकल रही हूँ। मेरा ये आउटफिट है, इट्स माय आउटफिट। मिरर बहुत गंदा है, मिरर को गोली मारो। सबसे पहले आ चुकी हूँ स्टेशन, मुझे जाना है विधाननगर, वहाँ से न्यू टाउन के लिए कैब वगैरह बुक करूंगी। चलो ट्रेन का वेट करती हूँ। विधाननगर स्टेशन, देखो कितना क्राउड रहता है ये स्टेशन में, और यहीं से मुझे बस या कैब पकड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं डाब पीने लगी यार। सो ये देखो मेरा मलाई, सबसे पहले पी ली है डाब। और यहाँ पे उबेर वगैरह देखती हूँ, बार बार कैंसिल हो जा रहा है, बस में देखती हूँ कितना लेता है। दोनों से सफर करूंगी, दोनों का प्राइस बताओ। ये हमारा कोलकाता का रोड, देखो काफी प्यारा है। अगर से आप लोग कुछ भी करोगे तो आकांक्षा मोड़ आप लोग बोलोगे, सामने में ही है वो बिल्डिंग जिसमें मुझे जाना है। बहुत सारे एक्टिविटीज करूंगी। चलो, तो इस मॉल के अंदर ही 10th फ्लोर पर हमको जाना है, जस्ट जंपिंग लिखा हुआ है। तो चलो, आप लोग वेट किसका कर रहे हो, मेरे साथ अंदर चलो। चुप करो तुम। ये मॉल का लोकेशन कुछ ऐसा है, हम लोग को जाना है सबसे ऊपर। तो हम लोगों ने लिफ्ट पकड़ लिया है और टेम पे टैप कर दिया है। पहुंच चुकी हूँ, तो चलो अब टिकट काउंटर ही है, ये है, तो मैं टिकट वगैरह कटाकर आप लोग से मिलती हूँ गाइस। सो ये देख लो, टिकट हम लोग को 90 मिनट ही ओनली मिलेगा एक्टिविटीज करने को, और 1 पर्सन पर प्राइस पड़ेगा 710 रुपीज। और यहाँ पर बाहर का शूज वगैरह अलाउ नहीं है, तो बाहर में ही खोलना पड़ेगा। और वो लोग हमें सॉक्स देंगे, वो पहनना पड़ेगा, जैसे मैं ये पहनी हूँ। देखो मैं कैसे मटका रही हूँ। सो यहाँ पर जो हमारा टिकट था वो हमें सटा दे रही है, बिकॉज ये गुम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो चलो अब एंट्री करते हैं और सारा चीज दिखाते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। पर ना मैं घर आकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे ना म्यूजिक बज रही थी तो कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और अभी इससे भी हार्ड हार्ड है, तो बच्चे का भी जगह मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलो पहले मेरा मस्ती देख लो। मैं आप लोग को बहुत सारा एक्टिविटी दिखा रही हूँ, यहाँ पे गाना वगैरह मुझे नहीं बोलूंगी, आप लोग देखो। और यहाँ पे मैं चढ़ रही हूँ यार, मेरा तो पता है पैर ही फंस गया था, इतना बुरा हुआ यहाँ पर, इसलिए मैंने एक बार ही इसे ट्राई किया और मैं बस गिरने वाली थी, मैं चिल्ला रही थी आ आ। पर इसमें बहुत सेफ्टी है, हम गिरेंगे तो नीचे ही गिरेंगे पूरा, ये सब सॉफ्ट सॉफ्ट ये, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। पर फिर भी मैं आप लोग के लिए दिखा रही हूँ, पहले एक दिखाया और ये दूसरे वाले भैया कर रहे, तो इसको मैंने छोड़ दिया।
और ये तीसरा में चढ़ गई अरे यार, इसमें तो मैं लटक ही गई थी और बहुत हार्ड था, मेरे को पैर में भी लग गया। ये देखो बंदर की तरह मैं चढ़ गई हूँ बस। अब हम ये करने जा रहे हैं, मैं चढ़ूंगी जितना हो सके ऊपर चढ़ूंगी, अभी उसमें भी जाऊंगी। सो यहाँ पर हमारे पैरों में सेफ्टी बांध रहे हैं दोनों पैर में और कमर में भी, ताकि कुछ गिरे वगैरह गिरे तो लगे ना। यहाँ पर सारा सेफ्टी के साथ किया जा रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और मैं स्पाइडरमैन की तरह चढ़ तो गई, बट यार उतरने के टाइम में जो डर लग रहा था ना, फिर मैं क्या कि स्लाइड स्लाइड कर दी, वो जो हैंडल दिया था ब्लैक वाला वो पकड़ कर स्लाइड कर दी, और चढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो अगर आप लोग भी इंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पर आओ, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। पूरा एक्टिविटी किया और देखो पूरा पानी पानी हो गई है। अब मैं जाऊंगी उसमें, फिर बांधा रहता ना तो ठीक रहता। और अब टाइम आया ये वाला करने का, ये सबसे हार्ड है। एक लड़की ना इसमें से गिर भी गई थी और उसको पैर में भी लग गया, हैंड में भी लग गया। सो मेरे को तो काफ़ी डर लग रहा था, फिर भी मैं गई, कोई बात नहीं, जाने में क्या जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा। आई हूँ तो करूँगी सब कुछ, तो यहाँ पर भी सेफ्टी के साथ सब कुछ किया जा रहा है। तो चलो अब मैं स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाती हूँ।
पे वाला भी एक्टिविटी कर चुकी हूँ, काफी मजा आया। थोड़ा सा डर लग रहा है पर हैंड पूरा रेड हो जा रहा है। तो अभी एक दो ही किया, रोज वाला तो नॉर्मल खुदकने वाला, तो अभी और है, सारा चीज दिखाने वाली हूँ। अब मैं जाने वाली हूँ स्लाइड वाले एक्टिविटीज करने के लिए, तो चलो यहाँ पर करते हैं एंजॉय। तो ये करने में ना मुझे काफ़ी मज़ा आया था, बिकॉज यहाँ पर आकर ना मैं बहुत ही जोरों से पलटी मारने वाली हूँ, और पूरा ये देखो ये रहा, ओह माय गॉड, ऐसा लगा कि मैं बस अब गई ऐसा लग रहा था। हमारा हो गया डन, अभी तीन ही किया है और क्या क्या है, चलो मज़े करते हैं। अल्ट्रा वाइड पे यार अभी एक हाथी लड़की आई, तो उसका हाथ मेरे यहाँ से पड़ गया, रेड होने वाला है, थोड़ा सा रेड हुआ है, तो थोड़ा सा बच कर एक्टिविटी करना वरना मेरे तरह दाग। फिर बच्चों के लिए काफी सारे खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पे, बच्चों का एक्टिविटी करने का है यहाँ पर भी, और इस साइड पे भी बच्चों का भी बहुत सारा है। आप लोग बच्चे को लेकर आओ, खूब एंजॉय करो। देखो यहाँ पर हम लोगों को एक पर्सन पे लगा 710 रुपया, और यहाँ पे 90 मिनट ही टाइम देता है, जब भी आप लोग आओगे 90 मिनट ही मिलेगा, और खाने का भी ऊपर में है, तो आप लोग खा सकते हो, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। सो यहाँ पर ही बच्चों के लिए बनाया गया है, सो इसलिए मैंने आप लोग को दिखाया। अब हम एग्जिट कर रहे हैं, सारा चीज दिखा दिया, और जो बताना होगा बाद में बता दूंगी, यहाँ से ही गलती नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम काफी एंजॉय किए, निकल के बात करते हैं। तो यहाँ पर आ सकते हो, संडे टू मंडे ओपन रहता है, कभी भी क्लोज नहीं रहता है। काफ़ी एक्टिविटी करने को मुझे मिला, बहुत ही एक्सपीरियंस मिला, मुझे बहुत ही मज़ा आया, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए भी है, एज का कोई ये नहीं है। सो आप लोग भी आओ यहाँ पे, काफ़ी इन्जॉय करो मेरी तरह। हाँ थोड़ा हाई बजट है थोड़ा, पर कोई ना, लाइफ में थोड़ा सा ये तो होना ही चाहिए ना। सो 2% आओगे तो 1500 रुपीस लग जाएगा, और रेस्टोरेंट भी आप लोग खा सकते हो। मैंने नहीं खाया, क्योंकि यहाँ पे भेज था, नॉनवेज में कुछ भी नहीं था, तो नॉनवेज के बिना मेरा ये ही नहीं होता है, तो इसलिए। सो जो भेज खाता है उसके लिए चांदी ही चांदी है, भेज पूरा वेजिटेरियन है, नॉनवेज है ही नहीं। सो आप लोग आओ, इन्जॉय करो। यहाँ से निकल रही हूँ, जा रही हूँ कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट देख कर, खाती हूँ यार, 5 बजने वाला है, कुछ भी नहीं। हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट खाने के लिए, और मैंने मंगाया आलू बिरयानी एंड चिकन चाप। काफ़ी बिरयानी खाना काफ़ी टेस्टी है ये, मैं ना पहली बार यहाँ पे आई हूँ, तो अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, मैं आप अभी बाहर से दिखा दूँगी दुकान, काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ का। सो इस दुकान का नाम है पावली बिरयानी। देर हम आ चुके हैं शालदा स्टेशन, बहुत ही क्राउड है, देखते हैं कोई ट्रेन अगर खाली रहा तो फटाफट चढ़ते हैं, घर जाकर मिलते हैं, बाय बाय गाइस। गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ घर, थोड़ा चेंज वगैरह कर रिलैक्स फील कर रही हूँ, देन आप लोग से बात कर रही हूँ। तो बस आज का बहुत सारा एक्टिविटीज किया, और नए जगह पर गए, मैं फर्स्ट टाइम गई, मैंने ऐसा वीडियो देखती थी, पर ये दिल्ली मुंबई में था, तो न्यू टाउन में भी खोल गया, कोलकाता में भी। तो आप लोग क्या वेट कर रहे हो, आप लोग भी जाओ और इन्जॉय करो, और वहाँ पर पार्टी वगैरह भी कर सकते हो, बर्थडे वगैरह बुक भी कर सकते हो, अलग से वहाँ पर बना हुआ है, तो
और रेस्टोरेंट भी आप लोग खा भी सकते हो, मैं बाहर आकर खाई बिकॉज आप लोगों को बताया कि क्या प्रॉब्लम था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो आप लोग जरूर कमेंट में बताना, और अगर कोलकाता से हो तो ये एक्टिविटीज आप लोग जरूर ट्राई करो, आप लोग भी जाओ, काफी मजा आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।